प्राप्त होती है। अब मान लो कि एक व्यक्ति ने चोरी किया और उसके फल स्वरूप उसको वो योनि प्राप्त हुई जहां उसको चोरी से खाना पड़ता है, तो फल कैसे हुआ? क्योंकि फल उसको कहा जाता है कि जहां व्यक्ति को डीप रियलाइजेशन कि ये कर्म गलत था, ये कर्म मुझे नहीं करना चाहिए, तब तो उसके संस्कारों में परिवर्तन आएगा। लेकिन अगर चोरी की और उसको वही योनि मिली या हिंसक कर्म किया इसलिए हिंसक योनि में जाना पड़ा उसको, तो वहां उसके संस्कार परिवर्तन होंगे या हिंसा के संस्कार और दृढ़ बनेंगे? सोचने की बात। नेचुरल है हिंसा के संस्कार उसके और दृढ़ बनेंगे। तो फल कहां मिला? जहां रियलाइजेशन ही नहीं है, जहां हिंसा से ही उसके जीवन का गुजारा है, तो वहां कर्म का फल कहां मिला? अगर मान लो कि ये कहे कि भाई उसको ऐसी पक्षी की योनि मिलेगी कि जिसमें उसको उसका भय सताता रहेगा, हिंसक प्राणी का भय सताता रहेगा। अब सोचने की बात है कि मान लो कि कबूतर योनि में गया। अब कबूतर योनि में गया तो वहां तो उसको इतना भयभीत है। अब जिसके संस्कार हिंसा के हैं, भय नहीं है तभी तो हिंसा करता है, तो ये जन्म में भय वाले संस्कार कहां से आए? विपरीत है, तो न वैसी योनि उसको प्राप्त हो सकती है न वैसी योनि प्राप्त हो सकती है। तो कर्म का फल कहां मिला? और साथ ही साथ हम देखते हैं कि मान लो कि सारे फल भोग करके 84 लाख योनियों से गुजर करके फिर जब मानव बनता है तो मनुष्य हर रीति से संपूर्ण होना चाहिए। लेकिन कोई बच्चा जन्मते ही लूला लंगड़ा अंधा बहरा पैदा होता है। अब जन्मते उसने कौन सा कर्म किया? जन्मते तो ऐसा कोई कर्म नहीं हुआ। अगर पूर्व जन्म का कहे तो पूर्व जन्म का तो भोग के आया, अब कौन सा कर्म रहेगा? अरे आज की दुनिया में तो यहां तक सुनने को मिलता है कि एक बच्चा गर्भ में है और गर्भ में उसके ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है। अब जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, जब कर्म आरंभ ही नहीं किए, उसके पहले इतनी भोगना यातना से गुजरना, ये कौन से कर्म का फल है? पूर्व जन्म के कर्म का फल कहे तो वो तो भोग करके आया ना 84 लाख योनियों से गुजर करके, तो अब कौन सा कर्म रह गया? और जब गुजर करके सारे कर्मों को चुकतू करके फिर मानव योनि प्राप्त हुई तो मनुष्य हर रीति से संपन्न होना चाहिए। हर बच्चा गोल्डन स्पून इन माउथ होना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि एक बच्चा गोल्डन स्पून इन माउथ होता है तो दूसरे बच्चे को दूध भी नसीब नहीं होता है जन्मते। ये दोनों बच्चों के अंदर इतना अंतर क्यों है? तो यही कहेंगे कर्म की गति अति गुह्य है। तो इसका मतलब 84 लाख योनियां जरूर है संसार के अंदर, लेकिन मनुष्य आत्मा को हर योनि से गुजरना नहीं पड़ता है। आज हम आपको ये खुशखबरी देते हैं कि मनुष्य मनुष्य योनि में रह करके ही अपने कर्मों का फल भोगता है। और इसीलिए मनुष्य योनि में रह करके ही जब फल भोगना है तो हम देखते हैं कि ये डिफरेंसेस कि एक बच्चा गोल्डन स्पून इन माउथ है तो दूसरे बच्चे को दूध भी नसीब नहीं। दूसरी बात कि हम ये क्यों समझे कि पशु योनि या पक्षी योनि भोगना की योनि है? आज पक्षियों को देखो मस्त गगन में उड़ते हैं, कौन सी भोगना है उसको?
ऊंचे गगन में आकाश में उड़ रहे हैं, मौज कर रहे हैं, और मनुष्य को देखो तो भोगना की योनि पशु पक्षी की योनि है या मनुष्य योनि है? मनुष्य योनि में कितने प्रकार की भोगनाएं हैं? पशु योनि में तो खाली शारीरिक भोगना होगी। आज पशु पक्षियों को कोई टेंशन तो नहीं है? मनुष्य को जितना टेंशन होता है उस हिसाब से इतना टेंशन में जीता है मनुष्य। इतना ही नहीं, शारीरिक भोगना, मानसिक भोगना और इमोशनल अत्याचार जब उसके ऊपर होता है, आज पशु पक्षी के ऊपर इमोशनल अत्याचार तो नहीं होता है? तो भोगना की योनि कौन सी है? मनुष्य योनि में तो शारीरिक, मानसिक, इमोशनल और अनेक प्रकार की भोगनाओं से गुजरता है, तब तो मनुष्य कभी कभी इतना तंग हो जाता है जो जीवन का अंत करने का सोच लेता है, सुसाइड कर लेता है। कभी सुना हमने कि कोई पशु या पक्षी ने सुसाइड किया? नहीं, वो तो खुश है अपनी योनि के अंदर। तो भोगना की योनि कौन सी है, पशु पक्षी की है या मनुष्य की है? मनुष्य योनि पशु पक्षी से भी कई गुना अधिक भोगना की योनि है। इसलिए आज के बाद हम ये मत समझे कि ये भोगना की योनि है। ये भोगना की योनि नहीं है, मनुष्य योनि भोगना की योनि है। तीसरी बात, तब कई बार कई लोग सोचते हैं कि क्या पशु पक्षी को कभी मनुष्य बनने का विचार नहीं आता हो? वो मनुष्य योनि में आना नहीं चाहता होगा? मैं एक ही बात आपसे पूछूं कि आज मान लो कि मनुष्य हर रीति से भोगना भोग रहा हो, शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, हर रीति से भोगना भोग रहा हो, और उस वक्त भगवान अगर उसके सामने आकर के पूछे क्या दूसरा जन्म मैं तुझे कोई पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बना दूं, तो मनुष्य बनना चाहेगा? इतनी भोगना के बावजूद भी मनुष्य शायद यही कहेगा, नहीं, मैं मनुष्य ही रहना चाहता हूं। ठीक इसी तरह हर आत्मा अपनी अपनी योनि में बहुत खुश है। आज पशु पक्षी अपनी योनि
पर हम जा रहे थे माउंट आबू, रास्ते में बहुत बंदर आते हैं, तो बंदर आपस में उछल कूद कर रहे थे कि अचानक सामने से एक ट्रक आई, तो बंदर कूद रहे थे, तो एक बंदर का जजमेंट थोड़ा फेल हो गया और वो उसी समय वहां पर कूदा और ट्रक की टक्कर लगी और उछल करके जोर से गिरा, लगा कि मर गया। जैसे ही ट्रक गुजर गई, आप मानेंगे नहीं, सारे बंदर उछल उछल करके वहां पहुंच गए जहां वो गिरा और उसको साइड में कर दिया ताकि दूसरा कोई व्हीकल उसके ऊपर से न गुजर जाए, और सब उसके इंतजार में बैठे, उसको होश कब आए, हम देख रहे थे सारा दृश्य। और जैसे ही उस बंदर को होश आया, सब इतने खुश होकर के उछलने लगे, ये बंदर है। आज मनुष्य को अगर कोई टक्कर मार दे तो लोग खड़े भी नहीं होते हैं देखने के लिए, या उसको कोई मदद करने के लिए, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए, इतना अंतर है मनुष्य में और बंदरों में। इतना बड़ा कटाक्ष मनुष्य की मनोवृत्ति पर किया गया था, इसलिए कहा कि हर प्राणी अपने अपने योनि में बहुत खुश है। दूसरी बात कि कहा जाता है जैसा बीज वैसा फल। अगर एक आम का बीज डालो, नेचुरल है, उसमें से आम ही मिलेगा। आम का बीज डाल करके उसमें से चीकू तो नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि बीज अलग है, धरनी वही है, आकाश वही है, वायु वही है, जल वही है, लेकिन एक बीज से दूसरा फल नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हर बीज की कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स अपने अपने हैं, इसीलिए एक बीज से दूसरा फल नहीं मिल सकता है। टेस्ट आ सकता है कलम करके, लेकिन एक बीज से दूसरा फल नहीं मिल सकता है। ठीक इसी तरह ईश्वर ने भी मनुष्य आत्मा को एक बार मनुष्य योनि में रोपित कर दिया, तो फिर वो जानवर कैसे बनेगा? जिस आत्मा को जानवर योनि में रोपित कर दिया, वो मनुष्य कैसे बनेगा? क्योंकि दोनों आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स अपने अपने हैं। आज मनुष्य आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या है? तो आत्मा में इतनी पोटेंशियल है जो 10 साल तक का सोच सकता है, प्लानिंग कर सकता है, और सारा प्लानिंग करके वो चलता है, इतनी क्षमता है। उसके बच्चे के बच्चे क्या खाएंगे वो भी सोच लेता और इकट्ठा करना शुरू कर देता है। जानवर शाम को क्या खाएगा उसके लिए भी इकट्ठा नहीं करता है। हर योनि की विशेषता अपनी अपनी है। मनुष्य में एक्स्ट्रा समझ शक्ति है, एक्स्ट्रा सोचने की पावर है, इतनी पोटेंशियल है उस आत्मा के अंदर जो जानवरों में नहीं है, है लिमिटेड है, अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है। मनुष्य से एक्सेल हो जाए ऐसा नहीं है, लेकिन जानवर में जो विशेषता है वो मनुष्य में नहीं है। कहा जाता है कि कोई अगर प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है, भूकंप आने वाला होता है, तो जानवरों को 24 घंटे से पहले मालूम पड़ जाता है। मनुष्य के पास इतने साधन होने के बावजूद भी उसको मालूम नहीं पड़ता है, और जानवरों को पहले से मालूम पड़ जाता है। कहा जाता है कि जब सुनामी आने वाली थी, तो उस वक्त कहा जाता है इंडोनेशिया में हाथी को 4 दिन पहले से मालूम पड़ गया था। हाथियों ने इतना आवाज करना शुरू किया, और जहां उन्हें बांधे हुए थे या जहां उन्हें रखा था, वहां से अपने मालिक को लेकर के आगे की ओर चलने लग पड़े और पहाड़ी की तरफ जाने लगे, क्योंकि वो स्लो
पेस से चलता है तो 4 दिन में वो पहाड़ी पर पहुंच गए, हाथी बच गए। 4 दिन पहले उसको मालूम पड़ गया सुनामी आने वाली है। मनुष्य के पास इतने साधन संसाधन होने के बावजूद भी उसको 24 घंटे पहले भी मालूम नहीं पड़ा। पक्षियों को भी मालूम पड़ जाता है, वो भी आवाज करने लग जाते हैं, उड़ना चालू कर देते हैं। तो जो विशेषता उनमें है वो मनुष्य में नहीं है, और जो विशेषता मनुष्य में है वो पशु पक्षी में नहीं है। तो हर आत्मा रूपी बीज की कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी अपनी है। तो एक बीज से दूसरा फल कैसे मिल सकता है, सोचने की बात है। तब कहा कि हर मनुष्य आत्मा अपने कर्मों का फल अपनी योनि में रह करके ही चुकतु करता है, जानवर अपने कर्मों का फल अपनी योनि में रह करके चुकतु करता है। आज एक कुत्ते को भी हम देखें, एक कुत्ता जो है मोटर गाड़ी बंगले में घूम रहा है, दूध और ब्रेड खा रहा है, और दूसरा कुत्ता डस्टबिन से किचड़ा उठा करके खा रहा है। वह अपनी योनि में रहकर अपने कर्मों का फल भोगता है, मनुष्य अपनी योनि में रह करके कर्मों का फल भोगता है। आज अगर सारी योनियों में घूम करके आए फिर तो कर्म सिद्धांत ही फेल हो जाए। इसीलिए मनुष्य अपनी योनि में बहुत खुश है और अपनी योनि में रह करके ही अपने कर्मों का फल भोगता है। कई बार कई लोगों को पूर्व जन्म याद आता है। देखा जाता है कि कई लोग जो बताते हैं पूर्व जन्म की बातें, छोटे छोटे बच्चे, और वहां जाकर रिसर्च किया जाता है तो वास्तविक होता है। मुझे याद आता है एक छोटा बच्चा, दीपक नाम था उसका, 3-4 साल का जब हुआ तो अपने माता पिता को कहता था, जैसे ही बोलना शुरू किया कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। माता पिता बार बार उसको समझाए यही अपना घर है। वो कहे नहीं, मेरा घर अलग है, मुझे वहां जाना है। खैर माता पिता को तो मालूम नहीं था। एक दिन बच्चे को गाड़ी में घुमाने ले जा रहे थे और घूम करके जब वापस आ रहे थे तो एक मोड़ आया जहां से बच्चे
गया था कि हमारे घर में रेड पड़ने वाली है, और इसलिए जब रेड पड़ने वाली है तो सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हाथ में आए सूटकेस में भर करके उस पिटारे के अंदर डाल करके उसको वहां झाड़ के नीचे खड्डा खुदवा करके दफना, जो मैं और हरी दो ही जानते थे और कोई नहीं जानता था। और इसलिए वो आत्मा जब गई, वो संस्कार लेकर के गई, माना वो अंतिम इच्छा यही थी उसकी मरने से पूर्व कि अब सब दबा का दबा रह जाएगा, किसी को कुछ नहीं। तो ये जन्म में जा करके भी वो पिछली स्मृति जो उसको सता रही थी अंदर में कि बच्चों को दे करके फिर आओ मैं, और जैसे ही उसने हैंडओवर कर दिया उसके बाद विस्मृत हो गया, फिर अपने माता पिता को कहते हैं चलो अपने घर, बस वो लास्ट संकल्प उसका पूरा हो गया। ठीक इसी तरह कई बार पशु भी अपना पूर्व जन्म बताते हैं कि वो पशु ही थे पिछले जन्म में। कैसे? तो मुझे याद आता है कि एक बार एक न्यूज़पेपर में ये बात आई थी कि एक कपल अपने कुत्ते के साथ घूमने गए थे, जैसे ही आ रहे थे तो अचानक वो कुत्ता एकदम परेशान होकर के खूब भौंकने लगा। इन लोगों ने जैसे गाड़ी खड़ी किया तो उसने खिड़की से, वो कांच से खुला था, कूद करके सामने एक फार्म हाउस था उसमें दौड़ करके चला गया। ये लोग उसके पीछे पीछे गया कि पता नहीं उसको क्या स्मेल आई, क्या हुआ, क्यों गया वो। वहां जाने के बाद एक बूढ़ी माता जी थी जो घूम रही थी, तो उसको जैसे प्यार करने लगा। वो बूढ़ी माता जी को भी पता नहीं किसका कुत्ता है, क्यों इतना प्यार कर रहा है। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो बूढ़ी माता जी ने कहा पता नहीं ये आपका कुत्ता है। कहा हाँ हमारा कुत्ता है, यहाँ दौड़ करके ले आया। वो बूढ़ी माता जी देखती रह गई, फिर अचानक वो कुत्ता पीछे की ओर गया, मचान पर कुछ ढूंढने लगा। तब ये बूढ़ी माता जी हंसने लगी, कहा ये कितने साल का कुत्ता है। कहा 3 साल का। कहा 3 साल पहले मेरे पास एक कुतिया थी, और ये जो ढूंढ रही है ना उसने अपने बच्चे वहां रखे थे, बच्चों को ढूंढ रही है। कहा फिर क्या हुआ? तो कहा वो मचान पर रखा था, बर्फ के दिन थे, इतना बर्फ गिरी और उसके बच्चे सारे बर्फ में ढक गए थे। वो बर्फ निकाल रही थी बच्चों के ऊपर से, और जो है अचानक उसका पैर फिसला, नीचे गिरी, नीचे एक वो कुल्हाड़ी थी उसके ऊपर गिर करके मर गई। ये अभी जो ढूंढ रही है ना वो लास्ट उसकी एक्शन। तो एक कुत्ते ने भी अपना पूर्व जन्म बताया तो कुतिया ही थी। मनुष्य ने अपना पूर्व जन्म बताता है मनुष्य है। तो किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि जानवर योनि से मनुष्य बने, ये किसी ने नहीं बताया। कहने का भावार्थ, मनुष्य मनुष्य योनि में रह करके ही अपने कर्मों का फल भोगता है। ओम शांति।